हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ एक लैपटॉप बाइंग स्मार्ट गाइड, जिसकी मदद से आप अपने लिए एक बेहतरीन लैपटॉप सिलेक्ट करके रख सकते हो बिना किसी की मदद लिए। इस वीडियो को मैंने ना काफ़ी अलग तरीके से स्ट्रक्चर किया है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आप बहुत ही आसानी से सारे टर्म्स यहाँ पे समझ जाओगे। और मैंने पूरी कोशिश की है कि लैपटॉप लेते समय जितने भी क्वेश्चन एक नॉर्मल यूज़र के दिमाग में आते हैं ना, उन सभी को यहाँ पे कवर करने की मैंने मेरी पूरी कोशिश करके यहाँ पे रखी हुई है। तो चलो बिना किसी समय को यहाँ पे वेस्ट करते हुए क्विकली लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। अब देखो दोस्तों, लैपटॉप यहाँ पे बाय करने वाले दो कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला तो जिन्हें सिर्फ लैपटॉप चाहिए होता है ब्राउजिंग करने के लिए, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, नॉर्मली एकदम कैजुअल पर्पज़ के लिए लैपटॉप चाहिए होता है, तो उनके लिए ना ऐसा कुछ गाइड की ज़रूरत नहीं है। जितना उनका बजट है उतना वो खर्च करेंगे तो उनको चलेगा। लेकिन दूसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो कि लैपटॉप के ऊपर कोई स्पेसिफिकली काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्मार्ट गाइड मैं बना रहा हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको कुछ सवालों के जवाब आपको खुद से जेन्युइनली वहाँ पे देने होंगे, तब जाके आप अपने लिए एक अच्छा लैपटॉप शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हो। तो उनमें से सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट आर माय टॉप 3 यूसेज। अब देखो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको काफ़ी ऑनेस्टली देना है। लैपटॉप में ना हर तरह के काम किए जा सकते हैं, लेकिन आप कौन से वो 3 काम सबसे ज़्यादा लैपटॉप के ऊपर करने वाले हो, उसे आपको एक पेपर के ऊपर लिखना होगा। जैसे कि मेरे केस में सबसे बड़ा काम है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, उसके बाद फोटो एडिटिंग, और उसके बाद नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह मैं करता रहता हूँ। तो मेरे ये टॉप 3 यूसेज जो यहाँ पे हो जाते हैं। एक बार आपने अपने टॉप 3 यूसेज को आपने रिकमेंड कर लिया, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो हैवी वर्क है ना उसे लेना है, और उस काम को करने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। जैसे कि मेरे केस में सबसे हेवी वर्क है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, और वीडियो एडिटिंग को करने के लिए मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ फिल्मोरा 11 या फिर प्रीमियर प्रो। अब मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपली फिल्मोरा के वेबसाइट पर या फिर प्रीमियर प्रो के वेबसाइट पर मैं जाऊँगा और उनके सिस्टम रिक्वायरमेंट को यहाँ पर मैं चेक करूँगा। आप भी एक बार देख लीजिए आपको कितने सारे सवालों के जवाब इसी सेक्शन में मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा OS, अब आपको OS यहाँ पे एटलीस्ट 64 बीट वाला OS चाहिए, मतलब विंडोज 7 से लेकर विंडोज 11 तक सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर आराम से चल जाते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, तो अगर आप इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हो तो फिल्मोरा आपको रिकमेंड करता है कि आपको एटलीस्ट इंटेल कोर i3 या फिर उससे ज़्यादा वाला CPU लेना चाहिए, और प्रीमियर प्रो आपको रिकमेंड करता है कि इंटेल के 6th जनरेशन या फिर उसके अबव वाले CPU आपको लेने चाहिए। अगर आप AMD में जाते हो तो AMD Ryzen 3000 या फिर उसके अबव वाले CPUs को आपको कंसिडर करना चाहिए। उसी के बाद अगला सवाल आता है कि कितने रैम की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो तो मिनिमम आपको 4GB की रैम यहाँ पे रिक्वायर्ड है, लेकिन फिल्मोरा भी रिकमेंड करता है कि आपको एटलीस्ट 8GB की रैम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी स्मूथली सारे कुछ फंक्शन वगैरह करने के लिए। वहीं पर प्रीमियर प्रो में एटलीस्ट आपको 8GB की रैम चाहिए, और अगर आप 4K एडिटिंग या फिर फुल HD एडिटिंग वगैरह करते हो तो उस केस में प्रीमियर प्रो के लिए आपको मिनिमम 16GB की ड्यूअल चैनल रैम आपको यहाँ पे चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बेटर आपको प्रीमियर प्रो परफॉर्म यहाँ पे करके देगा। एक और सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि वीडियो एडिटिंग में क्या ग्राफिक्स कार्ड की भी नीड होती है, उसका भी आंसर आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट मिल जाता है। फिल्मोरा 11 के लिए आपको मिनिमम 2GB इंटीग्रेटेड या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत होती है, और वहीं पर प्रीमियर प्रो में भी आपको मिनिमम 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो अगर आप प्रीमियर प्रो जैसे हेवी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो तो उस केस में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे प्रीमियर प्रो ये भी रिकमेंड करता है कि अगर आप 4K वीडियो वगैरह एडिट करते हो तो उस केस में आपको मिनिमम 4GB या फिर रिकमेंडेड 6GB के ग्राफिक्स कार्ड होना या आपके लैपटॉप या फिर PC में होना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करना होता है कि आपको कौन सा CPU चाहिए, कितना रैम चाहिए और कितनी ग्राफिक्स की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये 3 चीज़ें शॉर्टलिस्ट हो जाने के बाद आपको बढ़ना है अगले सवाल की तरफ। आप इस सवाल में आपको कोई कन्फ्यूजन में नहीं रखूंगा। स्टोरेज के मामले में सवाल है, आपको 2022 में सिर्फ और सिर्फ SSD स्टोरेज वाले लैपटॉप लेने हैं या फिर हाइब्रिड स्टोरेज वाले लैपटॉप आपको लेने हैं। हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप को आप टोटली अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि उनमें आपको स्पीड बिल्कुल ना के बराबर मिलने वाली है। हाइब्रिड स्टोरेज मतलब जिनमें आपको हार्ड ड्राइव भी मिलते हैं प्लस SSD भी मिलती है। SSD में आप सारे सॉफ्टवेयर को वगैरह इंस्टॉल करके रख सकते हो, और हार्ड ड्राइव में आपका सारा डेटा वहाँ पे आराम से स्टोर होकर रख सकता है। अब बहुत सारे लोग ना यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं कि देखो, सिस्टम रिक्वायरमेंट जो मिनिमम देकर रखे होते हैं कि हमें वो वाला लैपटॉप लेना चाहिए या फिर जो रिकमेंडेड सेटिंग या फिर रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप होता है वो वाला कॉन्फ़िगरेशन
वाला लैपटॉप हमें लेना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज गो फॉर रिकमेंडेड सेटिंग, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं ना उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर ओपन वगैरह होता है, थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो। जैसी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना तो सिस्टम आपका मतलब जान तोड़ने लग जाता है और वहाँ पर चीज़ें उतनी अच्छी से नहीं हो पाती। तो ऑलवेज गो फॉर रिकमेंडेड सेटिंग्स और रिकमेंडेड सेटिंग के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही आपको लैपटॉप यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना चाहिए। दोस्तों सिमिलरली आप भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो तो आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या लगेंगे, प्रोग्रामिंग करते हो तो सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको क्या लगने वाले हैं, कोई सा भी वर्क हो सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट वहाँ पे मिल जाते हैं और उसी हिसाब से आपको लैपटॉप को सिलेक्ट करके रखना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल आप लैपटॉप ले रहे हो काम करने के लिए, अगर वो काम ही नहीं करेगा उस तरीके से तो लैपटॉप लेने की कुछ फ़ायदा नहीं है, भले आप कितना ही पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर दो। एनीवेज हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है कि स्क्रीन साइज कितनी होनी चाहिए। दोस्तों देखो नॉर्मली लैपटॉप में ना 13 इंच 12 इंच से लेकर टोटल 18 इंच के लैपटॉप यहाँ पे आते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करते हो, आप ऑन द गो वगैरह वर्क ज़्यादा करना पसंद करते हो, तो इस केस में ना 13 इंच या फिर आइडियली 14 इंच वाले लैपटॉप आपको सिलेक्ट करके रखने चाहिए। क्योंकि इनमें दो फायदे होते हैं, सबसे पहला ये कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आते हैं, इनका वेट वगैरह कम होता है तो ट्रैवल वगैरह करते समय ना आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, एकदम एक हाथ से आप लैपटॉप को कैरी वगैरह कर सकते हो, मतलब पोर्टेबिलिटी की इन लैपटॉप में कोई भी इशू नहीं होती। वहीं पर अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि डेस्क पर बैठकर ज़्यादा काम करता है, ट्रैवल वगैरह ज़्यादा नहीं करता, करता भी है तो कभी कभी ओकेजनली करता है, तो उस केस में ना आपको वेट की तरफ उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, आप पावर की तरफ जा सकते हो और बड़ी डिस्प्ले ले सकते हो जिसकी मदद से आपका जो वर्क फ्लो है ना वो थोड़ा आसानी से यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद ना दोस्तों थोड़े लोग यहाँ पे ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं कि भाई मैं तो लूँगा तो डेल का ही लैपटॉप लूँगा या फिर एचपी का ही लैपटॉप लूँगा। 2022 में ना नॉर्मली आसूस, लिनोवो, एसर, एचपी, डेल ये सारे ब्रांड्स अच्छे हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छा प्रोवाइड कर रहा है अच्छे प्राइसिंग में आपको उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वारंटी तो 1 ईयर की ही मिलने वाली है। हाँ कभी कभी लैपटॉप के ऊपर आपको 3-3 साल की वारंटी आपको देखने मिलती है, तो उस केस में आप वो वाला ब्रांड भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, बट शर्त इतनी है कि आपके जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है ना उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, तब जाके आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों इसके बाद एक और सवाल है जो कि बहुत सारे लोग ना मुझे पूछते रहते हैं कि विक्रम क्या मुझे लैपटॉप अभी ले लेना चाहिए या फिर कुछ समय वेट करके नए लैपटॉप जब लॉन्च होंगे तब मुझे लेना चाहिए। तो दोस्तों देखो इसके दो आंसर है। पहला आंसर कि मान लीजिए कि आपके पास कोई लैपटॉप ही नहीं है और आप वेट करना चाहते हो, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वेट कीजिए, क्योंकि बेसिकली आपके काम यहाँ पे रुक जाएंगे और जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जितने भी प्रोडक्टिविटी के वर्क वगैरह होते हैं ना वो थोड़े पुराने लैपटॉप के ऊपर भी चल जाते हैं, तो आपके काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए, भले ही लैपटॉप कितना ही पुराना क्यों ना हो आपके काम नहीं रुकना चाहिए, ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए। इसके बाद एक और कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप होता है, वो वेट करते हैं मैं लैपटॉप अपग्रेड करना चाहता हूँ तो अब मुझे लेना चाहिए फिर नहीं। तो जिनके पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है और जो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे ना टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। अभी के टाइम पे देखो 12th जनरेशन वाले इंटेल के साथ आपको DDR5 वाले रैम देखने मिलने वाली है, Gen 4 SSD स्टोरेज वहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है और भी कई सारी नई चीज़ें आपको लैपटॉप में देखने मिलने वाली है जो कि पिछले 8-10 सालों से लैपटॉप में चेंज नहीं हुए हैं। तो अगर आपके पास एक प्राइमरी लैपटॉप है और उसे अपग्रेड करके आप नया लैपटॉप लेना चाहते हो तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत वेट करना सेंस बनाता है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप ही नहीं है तो आपको तुरंत उसे ले लेना चाहिए अगर आपको अच्छी डील मिल जाती है तो। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद, इनके सवाल आइडेंटिफाई करने के बाद, अब आपको यहाँ पे बजट जो है वो डिसाइड करना होगा। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट में पूछते हैं कि भाई मेरा बजट 40,000 रुपये का है और उसमें मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है, उसमें मुझे प्रोग्रामिंग भी करनी है, गेमिंग भी करनी है, मूवीज़ भी देखना है, मतलब ऑलराउंडर लैपटॉप हर किसी को चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता, लैपटॉप हर किसी के लिए नहीं बनते, वो स्पेसिफिक कामों के लिए बनते हैं, तो उस हिसाब से आपको समझदारी से डिसीजन लेना होगा। तो अगर आपका रिक्वायर्ड है कि आपको 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगने वाला है तो वो तो 40,000 में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा पैसा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, फिर अपना काम खल्लास। ए सुन बैठ। और इसी वजह से बजट वाला पार्ट जो है मैंने लास्ट में रखा है, ताकि आप एक सेंसिबल बजट लेकर एक अच्छा लैपटॉप सिलेक्ट करके रख सको, कम से कम आने वाले 4-5 सालों तक आपको लैपटॉप अपग्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली देखो, आप थोड़े कम पैसे डालकर काम करने की कोशिश करते हो लेकिन वो काम होता नहीं है, फिर उसके बाद जल्दी से लैपटॉप बेच देते हो और फिर नया लैपटॉप लेने की कोशिश करते हो। तो इससे बेटर ये है कि थोड़ा सा बजट स्टार्टिंग में ही बढ़ा लो और एकदम ही अच्छा लैपटॉप लो और उसे 4-5 सालों के लिए चलाओ, उसके बाद अपग्रेड वगैरह कर लो। मस्त प्लान है।
तो वीडियो को एक बार क्विकली यहाँ पे समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप खरीदते समय पूछना होगा कि मेरे टॉप 3 यूसेज क्या है भाई लैपटॉप में। उसके बाद जो भी सबसे हेवी वर्कलोड वाला चीज़ होगा आपके लैपटॉप में, वो करने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, उस सॉफ्टवेयर के सिस्टम रिक्वायरमेंट को आप चेक कर लीजिए, आपको स्पेसिफिकेशन का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप डिस्प्ले साइज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली फुल HD रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले को ही आपको सिलेक्ट करके रखना चाहिए। लैपटॉप में 4K डिस्प्ले या फिर QHD डिस्प्ले मुझे तो समझ में नहीं आते, और उनमें पैसा अभी के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका बजट है तो बात अलग है। इसके बाद आप ब्रांड प्रायोरिटी को जगह दे सकते हो, और आपके बजट के अनुसार जो भी उस कैटेगरी में आता है उस लैपटॉप को आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैंने कई सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं, प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप, वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप, गेमिंग के लिए लैपटॉप, तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट वीडियोस या फिर इंपॉर्टेंट लैपटॉप्स की लिंक आपको दे दूंगा, आप उन्हें वहां से चेकआउट करके चैनल को इनडायरेक्टली सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप मुझे बताइए कि इस स्मार्ट गाइड में कोई चीज़ें मिस तो नहीं हुई। अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट। Yeah.